लावस, जिनका नाम था एक्चुअली ओरिजिन दाऊद भाई, तो हरक्यूलिस के नाम से था। दाराजी इनके छोटे भाई रतवा, दाराजी ने फिल्म में आपने शुरुआत की थी किंग कॉन्ग। हाँ 1950। दाराजी की शुरुआत की थी किंग कॉन्ग से। और उस जमाने में जो हम लोग जो फियरलेस नाडिया वगैरह के शॉट्स देखते थे, वो ट्रेन पे जंप करना हो तो कैसे करते थे सर? मास्किंग करके, मास्किंग से। अच्छा, मास्किंग करते हैं, मास्किंग से कि वो ये लिया कि पता लगा ये नीचे गए तो मास्क किया, मास्क से ही। तो आपको मास्किंग इतनी फाइन होती थी कि आपको पता नहीं, पता है आज भी नहीं पता चल रहा। यही चीज स्पेशल इवेंट में वही चीज है, आपको चीट कर रहे हैं हम, मगर चीटिंग क्या गया वो पता नहीं लगना चाहिए। दैट वाज द स्पेशल इवेंट, चीट कर रहे हैं पर कैसे चीट किया है पता नहीं लगा। और जैसे आपको मैजिक कारपेट में भी वो है, पूरा मैजिक कारपेट हो गया फिल्म इंडस्ट्री में। ट्रैवलिंग में सबसे पहले बाबूभाई जी ने शुरुआत की। ट्रैवलिंग पेन जो स्पेशली पेन का एक हिस्सा है, जैसे डबल रोल है, वैसे ट्रैवलिंग पेन भी एक होती है जो फ्लाई करते हैं, मूव। सही बात है। हाँ, दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हिम ओनली एंड दैट वाज इन ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट। और जैसे आपका एक शॉट का बहुत, मैंने उसमें इंटरनेट में भी बहुत डिस्कशन था, वो महाभारत फिल्म में वो द्रौपदी का वस्त्र हरण का जो सीक्वेंस है, कृष्ण के हाथ से जो आ रहा है, वो साड़ी चली आ रही है। हां, उस शॉट सब डबल एक्सपोज करके चलते हैं, सुपर इंपोज एंड डबल एक्सपोज, सुपर इंपोज एज वेल एज डबल एक्सपोज। ये शॉट ऐसे ही लिया जाता है, मतलब वो सोचना उनका काम था कि कैसे किया जाए। आपको मालूम है कि भाई डबल एक्सपोज से हो सकता है, पर कैसे उसको यूटिलाइज करना, कैसे यूज करना, वो हम करना। तो फाइनली कभी हॉलीवुड वगैरह, यूएस वगैरह गए आप कभी? अमेरिका कभी गए नहीं? हाँ, वैसे नहीं गए, मगर ये काम के लिए नहीं गए। मैंने तो आप गए होंगे, पूरी दुनिया घूमने गए बीच शूटिंग के लिए। प्रमोद चक्रवर्ती साहब, सागर साहब के साथ प्रमोद चक्रवर्ती के काम में स्पेशल इवेंट। हाँ, लव इन टोक्यो वगैरह भी है। हाँ, बस एक बंडल बास जिसमें राजेश कांत सिंह उनके लिए 2 साल में जो फिल्म आई थी, उसके लिए बेस्ट स्पेशल इफेक्ट ऑपरेटर का है और है महाभारत। और तो राधा कृष्ण जी के साथ भी प्रेजेंट, ये महाभारत का है। अच्छा, तो लंच पे इनवाइट किया था दिल्ली। ओह, और खुद उन्होंने बोला भी था कि हर स्कूल में ये फिल्म दिखानी चाहिए, महाभारत। उस पीरियड में उन्होंने ऐसा अनाउंस किया। सबसे खुशी है कि आज के वक्त आपके साथ भी है, ये वक्त याद है पूरी जिंदगी। जब कैसे थे तो मैं भी काम में ज़्यादा बिजी रहता था, बाहर तो मुझे याद है आप आके कह रहे थे। हाँ, मैं तुरंत कहता, हाँ भाई आपने जो कहना हो जाएगा, मुझे अभी फोन के 30,000 रुपये का था, मैंने कहा ये आप रखेंगे, आप ले जाएंगे, मैं ये आप रखेंगे और ये ले जाएगा, हमने काम कर लेंगे। ये वहाँ भी यही रहा कि वो भी वहाँ भी चीजें हो रहा। आज ये बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप साथ कर रहे हैं, ये मेरा भाग्य है, माय गुड लक, जिसको मैं जिंदगी भर कभी नहीं भूल पाऊँगा। यार अभी तो और मिलेंगे हम लोग, हम ये चाहते हैं कि मैं आऊँ कभी आपसे, जब कभी मैं आपसे बैठ के मैं स्टोरी लेके आता ना, तो मेरी स्टोरी आएगी तो वैसे